Hey, what's up, public? This is Akash back again with a new video. So, guys, ऊपर मीटर को इग्नोर कर देना. So, मेरे पे ध्यान दे दो. और सो गाइस, आज अपन जा रहे हैं दुर्गम चरवो केबल ब्रिज को. अभी अभी बना हुआ है. बहुत लोग तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं आजकल, कहीं बाहर देखने के लिए भी जाने रहे. सो ये वीडियो देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा दुर्गम चरवो केबल ब्रिज दिखता कैसा है और लाइटिंग वीटिंग कैसी है, आप लोगों को मालूम हो जाएगी गाइस. सो जब तक के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के लिए वेट करता हूँ, आने के लिए टाइम लगेगा शायद उन लोगों को. सो मैंने यहीं बैठ बैठ के टाइम लैप से लिया है. सो टाइम लैप से एंजॉय कर लो गाइस आप लोग. सो बाद में मिलते हैं, अपन निकलते हैं. अपन लोग निकल गए घर से दुर्गम चरू के रास्ते में. शाम को 5 बजे निकलना था. शाम को 5 बजे निकल के मैं आप लोगों को सुबह का, मतलब सुबह के टाइम में कैसा रहता है, सुबह का टाइम बोल के भी नहीं, नॉर्मल लाइटिंग है जब उजाला है, जब सूरज है, जब कैसा दिखता है, और रात होने के बाद लाइटिंग आने के बाद कैसा दिखता है बताना था मेरे को. लेकिन शाम में 5 बजे हुआ क्या है, मतलब बहुत सारे क्लाउड से बारिश गिरे जैसा दिख रहा था. सो हम लोग क्या सोचे, अब बारिश गिरने वाला है तो लाइट ले लिए थे. फिर देखते देखते टाइम हो गया 7 बजे तक, पूरा स्काई क्लियर हो गया है. सो अब निकल गए. ये देखो अपने साथ चंदू और श्रीराम. ये पीछे वाला बंदा है ना, इसके एग्ज़ाम्स है कहते 1 मंथ में, मतलब इंजीनियरिंग के सेकेंड सेम के, फर्स्ट ईयर वालों के सेकेंड सेमिस्टर के. अब हमारे डिग्री वाले के कब लगा देंगे एग्ज़ाम, बोल के फट रही है. देखो ये मोनू की फट रही है, यहाँ चंदू की भी फट रही है. बस भाई KKR साहब, आई रिक्वेस्ट यू, एग्जाम मत लगाओ भाई. अब कल से इसको पढ़ना है. गूगल मैप्स के भरोसे पे आप लोग मत आओ. हम लोग गूगल मैप्स के भरोसे पे आ गए. यूटर्न 1 किलोमीटर के बाद में मिला है हम लोगों को. तो गूगल मैप्स के भरोसे पे ना खो जाओ. कोई अपने ऐसे फ्रेंड को लेके जाओ जिसको पूरा गली गली मालूम है, उसको लेके चले जाओ. ऑलराइट गाइस, अपन आ गए दुर्गम चरू केबल ब्रिज को. ये लाइटिंग पूरा दिख रहा है, वहाँ से गिर रहा है शायद ये बिल्डिंग को. हाँ नहीं नहीं नहीं, ये लोग पावर कैन लगा लिया है. सो वहाँ देखो सामने वो भाई साहब, क्या लाइटिंग है. हैदराबाद में है बोले तो अब मेरे आंखों को भरोसा नहीं आ रहा. देखो लोग अभी बहुत ठहरे हुए हैं यहाँ पर, मतलब ये देखने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है ये भी. अपन आ गए दुर्गम चरू के केबल ब्रिज को, मतलब ये पहला केबल ब्रिज है तेलंगाना में ऐसा कि लाइटिंग है. और ये लेफ्ट साइड में ये है दुर्गम चरू. सो सभी लोग तो यहाँ पे ठहर के ही देख रहे हैं, वहाँ आगे जाने देते कि नहीं कि देखते अपन ना सामने जाके. यहाँ से तो व्यू मस्त है. थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक एक, मतलब जहाँ जहाँ खुला जगह दिख रहा है लोग आके फोटोस ये वो ले रहे हैं. सो अपन ला थोड़ा आगे जाके देखते हैं रास्ता है क्या नहीं है. शायद रास्ता नहीं है, ये सभी लोग यहाँ दूर से ठहर के ही फोटोस और वीडियोस ले ले रहे हैं. देखते हैं अपन क्या है. अच्छा ये लाइटिंग है अलग से, ये बिल्डिंग को है क्या, मेरे को क्या लगा इसके लिए यहाँ पर भी लाइटिंग लगा है लेकिन अलग से ही है. और नज़दीक से कुछ बहुत बढ़िया है. ऊपर जाने का रास्ता कुछ ऐसा है, देखते हैं रास्ता है क्या नहीं है. रास्ता नहीं है, पुलिस लोगों ने रोक लिया है जाने से. यहाँ पे लगा दिए है पुलिस लोगों ने अपनी गाड़ी, नहीं जा सकते है. देखो वहाँ है अपना केबल ब्रिज. ओ यहाँ पे इतने लोग क्यों खड़े हुए. मेरे को अब मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का.
मतलब अभी तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाया ये वीडियो पे, तो आज पूरा अपना मोटो ब्लॉगिंग ही हो गया है समझो। सो क्या है यहाँ दुर्गम चेरू केबल ब्रिज कन आ गए, यहाँ आने के बाद पुलिस लोग जाने नहीं दे रहे, मतलब बंदे स्टार्टिंग के एक दो तीन दिन ही जाने दिए शायद लोगों को देखने के लिए। अब सभी लोग यहाँ पीछे ठहर गए, देखो इतने सारे गाड़ियाँ और यहाँ पर ठहर गई, फोटोस ये सब कुछ ले रहे हैं। वहाँ जाने के लिए पूरा बंदे पुलिस लोग सामने गाड़ी लगा दिए, पूरा लगा दिए, और सो अपने को जाने का मौका नहीं है। सो अपन भी अब दूर से देख लिया है, बहुत बढ़िया है। मतलब अपने तेलंगाना में लखनवरम एक केबल ब्रिज था, उसके बाद में यहाँ पर ही एक केबल ब्रिज बनना है शायद, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये तो बहुत बढ़िया केबल ब्रिज है, रात के टाइम में आके देखने में मज़ा आए। तो अगर आप आना चाहते हो तो गूगल मैप पे दुर्गम चेरू केबल ब्रिज मार लो और आ जाओ यहाँ पे। ऑल राइट गाइस, और अपन अब यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है। सो अपन आज का ब्लॉग यहीं को बंद करते, पीछे लाइट आ रहा है, तो अपन आज का ब्लॉग यहीं को ख़त्म करते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय।